हाँ मैं मनना रहा ना, तो ये सारे लेके हुआ अगले तो आ रहा जो लेकर वो तो त्या देख लो ले आओ घर के भी चल ले बिल्कुल सबको लेके आओ बुलायो मैं देखना थोड़े घर क्या तू यहाँ पूरी बोलना तू आपको बोल बोलना नहीं अच्छा आप ये भगवान जी दुर्गा तू एक जगराते सोचे तू ये जेड़ा छोटा मोटा काम करो तालू आग पे ही आंदी ताकड़े गलगी तू जान तू कोई भी काम करो ना तालू थोड़े घर च ये छिटकी जान ये देवी माँ के दरबार में आते ना तब आपको देवी माँ रक्षा करे बार बार आते आज ना आते हो तो पता नहीं क्या करते और आपको पागल करके जंगलों में भेज देते तू ही अपने घर का ही ना पूरा धागा ले पूरे घर जो यार मेरे तो उतना कि लोगों ने बनाई है तो ये गांठ करके ना पूरे घर तो जो आए टका बीच कूदा इतना बड़ा ना सारा कल्ला ही पहुंचने का क्या बड़ा जो आए तेरे कोई गल नहीं ज्वाइंट होगा तो क्लेश तो नहीं बन कोई ऊपर लाइट भी चल रहा है हाँ ऊपर ही लाइट भी बन कोई क्लेश तो नहीं कोई नहीं कुछ नहीं अगली बार नींबू लेके आओ अगले संडे कर लेने जल्दी बच्चे बेटा ना आपका ले ओ ले ओ अगर कुछ नहीं दर्शन पाने के हाँ जी क्या मनोकामना पूर्ण हो एक मिनट में खुद देखूंगा आप ना बोलो ना मैं जब चाकू चलाऊंगा मुझे ठीक है ये वाला बच्चा है ये तो वो डर रहा है वैसे एक मिनट एक सेकंड लग जाए वो मम्मी आई इसकी ना आते थे आप पहले मेरे साथ ही बात नहीं आए नहीं पहले 3 साल बुरा न मत मान मैं बोल दूंगा माता वैष्णो कहाँ से ठीक हो जाएगी ना ये बच्चा कई बार ये होता है कि जब हम दरबार में आते हैं ना जब छोड़ देते हैं तो हमें कष्ट क्लेश भी लग जाते हैं वो भी एक मतलब कष्ट क्लेश कोई देवी माँ थोड़ी लगाती है हमें जो भूत प्रेत लगते हैं तो देवी माँ रक्षा नहीं करती है इस बच्ची को किसी ने कुछ कर रखा ये माता का जल लो स्नान तो बच्चे का करवाते हैं ना तो इसमें ये जल डाल देना साबुन से पहले नहा लेना फिर ऐसे फेंकना चाहे गर्म पानी करके जो भी है तो शरीर तो आपका भी ठीक नहीं रहता बच्चे का तो है नहीं आपका भी नहीं इसके लिए ना आप ये करो कि एक हफ्ता छोड़ के नींबू लेके आओ ना घर की मिट्टी लाना आप दिखाओ कमाई में कुछ बरकत हाँ तो उसमें जो कमाई व्यवस्थी नहीं है ना मेरा मतलब ये अगली बार नहीं भूलिए अपने पूरे परिवार को पूरे है परिवार ठीक हो जाएगी अगली बार नींबू लेके आऊ सपनों कुड़िए राखी अपने पूरे परिवार के साथ मां की सेवा करे और बहुत ही सुख शांति से जिंदगी मैं कभी भी देवता के आके सुंदर और चांद पे डर नहीं किसी बेटी की बेटी की मैं अचानक हुई है पहले की बात हो सकती और एक डेथ हो थी एक अचानक और हो रही थी मतलब दो डेथ होती है तो जो पहली वाली है ना तो उसका कुछ मतलब ये लगा घर भी चेंज किया आपने तो घर चेंज का भी प्रभाव अगली बार घर की मिट्टी लाओ पूरा पंता मैं लेंगे इनको ना दीदी एक हफ्ता छोड़ कर जैसे कि अगले शनिवार को रहेंगे इससे अगले शनिवार को इकट्ठे ले आओ और सब कोई बता दो हवन में ना आपने और हवन मिक्स करना है गुगल धूप जौ तेल डाल के उसकी धूनी लिया करो घर में
इनके घर में एक बड़ा ज्यादा मैंने देखा है, बड़ा ज्यादा वो है। आपके लिए हाथ में दीदी, मैंने ये देखा कि आपके घर में कमाई धंधे तो बड़े पर बचता कुछ भी नहीं, पूरे परिवार को अगली बार लाओ ना इनके लिए ना एक एक मोड़ी भी लाना धागा इनको भी ले। तो आपने ढोलकी भी बजाई, देते नहीं गाए, हमें भी पता लग गया अब आगे भी आते हैं। बेटा कितने परसेंट नंबर लेते हो? मैं पूछ लूंगा बोलो, 80, 60, 93 इतने मार्क्स ले रहे, फिर पढ़ती नहीं मुझसे नहीं। आप कितने लेते हो? मैंने तो, मुझे तो पता है कि कौन क्या है, अच्छा पढ़ रही है इसलिए मैंने आपसे ही पूछा है। माता का जल पिलाओ, माता की और कृपा। चैनल सब्सक्राइब कर ले अभी माता। जय माता। 93.3% मार्क्स ले रहे जल पी, भक्ति का फल मिल जाएगा तो हमें पता लग जाएगा ना सीधे। हाँ यही तो है भक्ति का फल। जय माता। आप एक मिनट, नींबू अंदर आया तू यहाँ पहले नींबू ले ना, पिछले बार नींबू ले ना, अगली बार नींबू लेके आ, नींबू का एक पार्ट होता है ना वो नींबू लेके आ। ये नहीं करना एक हफ्ता छोड़ के नींबू लाना, एक नहीं महीने के बाद आना, अब जो बोला वो एक हफ्ते वो नींबू लाना है सब। पर नींबू के बिना तो पार्ट पूरा नहीं, उसको कष्ट मुझे चलेगा। ऊपर ही प्रसाद खा लेना नींबू, नींबू का एक गरी नारियल लाना पानी वाला वो भी, और खूब प्रचार करो अपने इलाके में जम्मू में। मरते मरते जीवन दिया, डॉक्टर ने बोला कर लो सेवा बच जाएगी, विश्वास पूरा करो, ठीक है? ऐसी बात नहीं, टाइम लगता है सब हो जाता है। तो ये क्या जगह है ओम चंडी महारानी बलदानी कल्याणी सिंह वानी कल्याणी चिता सुमन अवृति वाली। शादियां कितनी भी कर लो सुख एक का भी नहीं, बच्चे का भी नहीं, बोला कर जी जी। भाग्य के खीरे पहुंचे, पहली वाली के बच्चे हैं, दूसरी वाली के बच्चे हैं, पर पहली वाले के बच्चे का आपको फायदा है। ये भाग्य की लकीर बो रही है ना कि वो आपको फायदा दे सके। हाँ मैं सच बोलता हूँ, मेरा यहाँ पर कोई सुपास नहीं होती है, और उन बच्चों को आप जानते भी हैं, और जब भी जाओ आपकी खूब सेवा करते हो। तो इनके जो दूसरी वाली है ना, अहंकार है इनके मन में कि माँ हमारे, अब माँ है उनकी तो आपके साथ ही है, तो वो सोचते कि आप क्या कर पाओगे, मजबूरी है आपकी, आपकी मजबूरी का वो फायदा ले रहे हैं ना, पर फायदा लेना भी अच्छा नहीं। भगवान जब इंसाफ करता है तो फिर हो जाएगा, आप आ रहे हैं ना, आपका भी इंसाफ होगा। आपने हेड चेक करवाया पिछले, क्या करते हो आप? कुछ भी नहीं मेरी नजर में, मैंने इसलिए पूछा है कि आपके हाथ में जॉब की लकीर थी, कई बार ये होता है कि जॉब पहले मिल गई होती है बाद में होता है, इसलिए पूछा। पर आपके घर में कोई बीमार चल रहा है उसको लेके आप ले जाते हैं, आप कोई भी दिखाना चाहे हाथ दिखा सकते हैं। पहली बार मानते नहीं है बात को मेरी।
ठीक हो जाएगा बच्चे का। दीदी मन का संतुलन ठीक नहीं, दिमाग का संतुलन खराब किया हुआ किसी ने। इनको ना अगली बार अपने पूरे परिवार को लेकर नींबू लेके आजकल मैंने पूरा सिस्टम बदल दिया। आजकल है कि पेंडिंग नहीं, पहले होता था केस कि पेंडिंग कर दिया ठीक है नहीं। मैं तो डायरेक्ट पूछूं, हाँ पिछले हफ्ते आए थे आपको कितना फायदा है? यहाँ मुझे कोई बताने की जरूरत थोड़ी है, चलो मजदूरी करना कोई बुरी बात नहीं, अच्छा है। पर आप भगवती माँ से जुड़ो, आगे आपको अच्छे दिन आ सकते हैं। अगली बार नींबू लेके माता कुछ भी कर सकते हैं। आपने भी चेक करवाना। ओम चंडी महाराज। रिश्ते की बात चलती तो है पर दूरता का नहीं जाती ना, एक दूर होता है पूर्ण नहीं पहुंचती। इसमें ना आपके संजोग बांधे, आपको समझे संजोग क्या होता है, भाग्य बांध रखे होते हैं। इसके लिए मैं आपको बाद में मिलूं 10 मिनट के बाद, क्या करना है? हेलो ये मैं जी, आप दिखाओ क्या कर रहे हो। पढ़ाई पूर्ण हो गई, क्या कर रहे हो आप? हाँ ट्राई कर रहे पर उसमें अड़चन है। मैंने तभी पूछा है। अच्छा है, भगवान ने सब कुछ ही दिया है पर आपके भी ना थोड़े हाथ बांधे हुए। हाथ बांधने का मतलब ये होता है ना, यहाँ तो दंपति है, देख लो यहाँ पर पति पत्नी के लिए खीरे पता लग जाता है। हाथ बांधने के होता है कि लक्ष्मी माता को रोक लगा रखी होती है, जितना है उतना नहीं होती है। तो इसके लिए मैं आप 300 सुपारियाँ लाओ, मैं बताता हूँ थोड़ा देता हूँ। बच्चे हैं? बच्चे का सुख ही कम है, पत्नी का है? बच्चे का ही सुख कम है। ये चलो माता, मैंने हाथ में देख लो तो बच्चे का सुख कम है। माता कह रही है कि कृपा हो जाएगी, दया हो जाएगी। माता रानी की अम्बे गौरी की आरती किया करो, जैसे मैं बता रहा हूँ अब ऐसे चलो। अम्बे गौरी की आरती किया करो, नारियल मिला दरबार से आपको नारियल लो, और माता अम्बे गौरी जगदी सारे गणेश की आरती करनी है। और कम से कम आधा घंटा दोनों पति पत्नी ने ओम वैष्णो देवी नमः, ओम वैष्णो देवी नमः, ओम वैष्णो देवी नमः, कृपा हो जाएगी। और एक हफ्ता छोड़ के आपकी जितने भी संत पंजाब से आई सब को यही मिला, क्योंकि मैं अगले हफ्ते नहीं बुला सकता हूँ ना, कहीं कहीं गरीब है क्या भी कुछ भी है ना, तो इनको मिलजुल के जितने भी इनको सबको नींबू दे गया। ठीक है जी, आप नींबू लेके आना। आपका मैंने बच्चे का सुख ना बांध रखा होता कई बार, कृपा हो जाए। आप दिखाओ चंडी महाराज की दान की बहन की बारे कर दान की बस की बारे कर दूसरा जीवन तो है। भगवती ने आपको दूसरा जीवन दिया है, आप दिखा दो। हाथ 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 ये आपकी भक्ति माता कृपा बना रखे, आगे सुख शांति रहे, समृद्धि रहे, कृपा रहे और बच्चे का सुख हो जाएगा। इस बार मैंने हाथ में देखा कि कृपा हो जाएगी। इनके लिए एक एक नींबू लाना और एक पानी वाला नारियल परी फेरने के लिए, वो फेरने के लिए पानी में प्रवाहित करना है। ठीक है जी, ये बात अच्छी है। तो माता भगवती का आपने लंगर लगाया है, आपको जी जान से तरक्की दे, सुख दे, समृद्धि दे और आपके भंडार सदा मान पूर्ण। बच्चे जैसे कि झुकती है, झुकना समझते हो? अपन मुझे भाषा नहीं है आपके, आती है डरना होता है एकदम रात को ना, तो इसको भी किसी ने कुछ खिलाया हुआ है, इसके बच्चे को जल पिता होगा, घर को जल हो। और इनको ना 15 दिन का सबका टूर बनाओ, मिलजुल का अपना कराई करो, नींबू लेके आओ सब। बिल्कुल
पढ़ाई तो करते हैं पर भूल जाते हैं। आपको तो जिंदगी में भगवान दुख बड़े लिखे हो, कृपा हो जाएगी माँ के चरणों में लगे वही सुख है। ठीक है जी, बोलने की समझ माँ की कृपा हो जाएगी, बस माँ का जल ऐसे डाला करो आंखों में। ठीक है जी, जय माता, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी जिंदगी आपकी। जल ले लिए घर को, जल घर को। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो करवा लो भैया से, बड़े मोबाइल वाले। ऐसे डाला कर जैसे दवाई डालते हैं, कृपा हो जाएगी। सेवा दान माँ स्वीकार करे, सुख शांति दे। 101 कृपा माँ भगवती जगदम्बा, योग माया जिस खजाने से आयो भरपूर रहे। चाहिए मकानों के बेटा, देखो क्या मौजूद का है। हाँ तेल की एक बूंद डाल दो चम्मच से। एक अड़चन है ना, किस्मत की अड़चन होती है। इस अड़चन को ना पानी वाला नारियल लाना भी वाला ऊपर ही सब बरकत, सब काम, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस माँ का भरोसा करो। ये आपने भी लेना लंगर का प्रसाद ग्रहण करो, अपने अपने कलश को ले आओ। एक मिनट बच्चे करके कुछ नहीं, बस ये बच्चे की किस्मत आप पे होती है।